हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को एक अरवी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जैसे घुइयाँ भी कहते हैं। तो एक बार मैं ही दो तरह की अरवी की सब्जी हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको किस तरह से बनाती हूँ मैं, चलिए दिखाते हैं आपको। ये मैंने ली थी आधा किलो अरवी यानी घुइयाँ, जिसको मैंने वॉश करके बॉईल करके इस तरह से पीस में कट किया है। और ये मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। और ये है कुछ सूखे मसाले, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पे मैंने ली है मेथी दाना और अजवाइन। तो अरबी को मैं अजवाइन से ज़रूर छौंकते हैं, वैसे सभी लोग अजवाइन ज़रूर ऐड करते हैं अरबी में। तो अरबी और मैं को मैं मेथी दाना और अजवाइन से छौंकूंगी। तो मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने मेथी दाना ऐड किया है। मेथी दाना अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद हमने उसमें अजवाइन डाली, और जो मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इस मसाले को हम डाल देते हैं पूरा, ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे अगर किसी को सूखी हुई सब्जी पसंद है तो आप बना सकते हैं इस तरह से। और अब मैंने ये सूखे मसाले इसमें डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और इसको चलाते हुए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा सब्जी का टेस्ट आएगा। तो हम मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप इस तरह से सूखी सब्जी भी बना सकते हैं और ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हैं। तो एक बार में ही हम दो तरह की सब्जी किस तरह से बना सकते हैं तो आप लोग देख लीजिए। प्लीज फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और अब हम मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था, उसके बाद हमने ये बॉईल की हुई अरबी इसमें ऐड कर दी है। अरबी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, सिर्फ एक सीटी में, एक सीटी ही लगाकर ही हमने इसको बॉईल किया हुआ है। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। इसमें बिल्कुल मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। मिक्स करेंगे अच्छे से थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें ऐड किया था और अरबी भी हमारी बॉयल है और मसाला भी हमारा अच्छे से बना हुआ है। तो बस मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डालकर रख दिया था, तो पानी भी इसका ड्राई हो गया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरह की हमारी सूखी अरबी की सब्जी बनकर तैयार है। तो अगर आप चाहें इस तरह की रखना तो आप इस तरह से सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। और बॉईल करने का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर हम अरबी को बॉईल करके बनाएंगे, यानी कि उबाल कर बनाएंगे, तो इसमें जो भी बादी होती है ना, अरबी में कहते हैं बादी, तो वो बादी निकल जाती है। तो हमने सूखी सब्जी को थोड़ा सा निकाल लिया है, जैसे कि मेरे घर में मुझे सूखी हुई अरबी की सब्जी पसंद है तो मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद मैं अब इसी को ग्रेवी वाली सब्जी बना दूंगी। तो इसमें आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। और देखिए, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएंगे, ताकि पानी अच्छे से पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। आप देख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। तो ये देखिए, ग्रेवी भी हमारी काफ़ी अच्छी है। और अभी ठंडी होगी सब्जी तो फिर ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो ये हमारी अच्छे से सब्जी हमारी बॉयल हो गई है। इसमें हम ऊपर से गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम अपनी अरवी की सब्जी को सर्व करेंगे। तो आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ,
किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो ये देखिए, मैंने ढककर रख दिया था एक दो मिनट के लिए, उसके बाद ये हमारी ग्रेवी वाली सब्जी भी बनकर तैयार है। तो ये देखिए, एक बार में ही दो तरह की सब्जी हम इस तरह से बना सकते हैं, 2-in-1, ये 2-in-1 भी कह सकते हैं इसको। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुई है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।